बेसिक शिक्षा न्यूज से संबंधित आज महत्वपूर्ण न्यूज जो है उनको देखेंगे, जैसे कि बाढ़ और बारिश से क्षतिग्रस्त स्कूलों की समरी की सूरत, बीएसएससी शासन को भेजा स्कूलों की मरम्मत का प्रस्ताव। तो अभी जो बाढ़ आई है जिसके कारण से विद्यालयों की स्थिति एक जर्जर पहुंच गई थी, उन्हीं को सुधार के लिए ये बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए, गोरखपुर में बाढ़ और बारिश की कहर से खत्म होने के साथ ही शासन ने क्षतिग्रस्त स्कूलों के भवनों को संवारने की कवायद शुरू कर दी। बीएसए ने क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए 3,16,00,000 का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। अब बीएसए ने जिले में भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित 263 स्कूलों के भवनों के क्षतिग्रस्त होने के प्रस्ताव को भेजा है। उसमें 4 दीवारी, फर्श मरम्मत, दीवार, शौचालय, खिड़की, दरवाजे आदि के सभी शामिल हैं। भवनों की तत्कालिक मरम्मत किए जाने के लिए शासन 1,50,000 रुपये प्रति स्कूल की सहायता देगा। बजट स्कूल में हुए नुकसान के आकलन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रस्ताव में शामिल ब्लॉक वार स्कूल बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित होने में सर्वाधिक 38 स्कूल पिपरौली ब्लॉक में, पाली में 4, खजनी में 8, कौड़ी राम में 18, कैपियर सांगगंज में 14, खोराबार में 22, जंगल कौड़िया में 16, बढ़लगंज में 25, बांसगांव में 34, सरदार नगर में 3, नगर क्षेत्र में 1, चरगवा में 11, ब्रह्मपुर में 35, बेलघाट में 2, उरुआ में 9, गगहा में 1 और भरोहिया में 22 स्कूल सम्मिलित हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट न्यूज है जिले के 1570% स्कूल होंगे हाईटेक, यानी 1,570 स्कूलों को हाईटेक किया जाएगा। ये अमेठी में ये बात की गई है, अमेठी जिले के लिए। तो यहाँ पर जिले की लगभग 1570% विद्यालय में सुविधा के मामले में जल्द ही निजी स्कूल जैसे ही नज़र आएंगे। पूर्व में सुविधा के 14 बिंदुओं पर कराए गए कायाकल्प कार्य से इतर इस बार स्कूलों में 19 बिंदुओं पर अवस्थापना सुविधाओं से लैस किया जाएगा। तो यदि ये कार्यवाहिता के आधार पर होता है और ये काम ईमानदारी से भी किया जाता है तो वास्तव में ये विद्यालय एकदम से जगमगा उठेंगे। शासन की जो कोशिश है कि अब स्कूलों को 19 सुविधाओं से लैस किया जाएगा, उसी के तहत ये कार्य है। आगे देखें तो स्कूल में लगी आग अटकी नहीं, 550 बच्चों की सांस मिड डे मील बनाते समय गैस लीक होने से हुई ये घटना। तो ये मामला जो है यहाँ से प्रयागराज कैंट का है। कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार न्यू कैंट स्थित विकर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में सोमवार सुबह गैस लीक होने से आग लग गई। उस समय स्कूल में 550 बच्चे मौजूद थे। आनन-फानन में शिक्षक बच्चों को कक्षा से निकालकर खुले मैदान में ले गए। जानकारी पाकर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बच्चों के साथ ही शिक्षकों की सांसें भी अटकी रहीं। विकर पब्लिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल में सोमवार से मिड डे मील शुरू किया गया था और इसके लिए 5 रसोइयों को रखा गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रहा था जब विद्यालय के किचन में आग लगी। तो ये स्थिति थी। तो इसमें नाजिया, बानो, अनीता, सुनीता, प्रीति, पूजा शामिल थी। दिन में लगभग 11 बजे जैसे ही खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर खोला गया, लीकेज की वजह से आग लग गई। मदद की आवाज़ लगाते हुए महिलाएं बाहर भागी। आवाज़ सुनकर से चक्कर घटनास्थल की ओर दौड़े और आग लगी देख दंग रह गए। तुरंत दमकल कर्मियों को बुलाने के लिए कार्रवाई की गई, यानी कि उनको फ़ोन वगैरह किया गया और दमकल कर्मी भी अपने 11:20 पर दमकल कर्मी पहुँच गए और कुछ देर के बाद आग पर काबू पाया गया और अधिकांश सामान जल करके नष्ट हो गया। इस दौरान कैंट पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से आधे घंटे तक स्कूल की तरफ आने वाले मार्ग पर आवागमन भी बंद कर दिया था। अभिभावक पहुंचे स्कूल और बच्चों को देख जान में जान आई। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। तमंचे के बल पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के साथ लूटपाट की गई और ये मामला है आगरा का। सुकोहाबाद से बाइक पर बेजकौली आ रहे प्रभावी प्रधान अध्यापक को रास्ते में अपाचे बाइक सवार बदमाश ने तमंचे के बल पर रोक लिया। इसके बाद बदमाश ने उनसे नकदी और अंगूठी लूट ली। आरोपी जाते समय बाइक की चाबी भी ले गए और सुकोहाबाद के रहने वाले अशोक कुमार प्राथमिक विद्यालय बिजकौली में प्रभारी प्रधान अध्यापक पद पर तैनात है। शनिवार 8:30 बजे हुआ शिक्षण कार्य के लिए बिजकौली आ रहे थे। थाना नसीरपुर एक्सप्रेस वे के पुल के समीप बिना नंबर प्लेट के बाइक
सवार युवक ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। आरोपी उनसे पूछताछ करने लगा, शिक्षक होने के प्रमाण पत्र मांगने लगा। इस बीच आरोपी उनके पर्स से 20,000 रुपये और 12 ग्राम की अंगूठी और उनकी बाइक की चाबी लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वारदात की जानकारी ली। SO नसीरपुर विनय भारद्वाज ने बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आगे देखते हैं तो यह निरीक्षण के दौरान एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए मिली BSE और कई कमियां, जिन पर कार्रवाई की गई, कई कमियां भी वहां पर मिली। तो यहां पर देखिए, लखीमपुर खीरी में डॉक्टर BSE डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने रमिया बेहड़ धौरा ईशानगर ब्लॉक क्षेत्र के 9 विद्यालयों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय बालिका विद्यालय ईशानगर का निरीक्षण किया। और इस दौरान उन्होंने BSE सबसे पहले आयोजन भी विद्यालय में गए 9:55 पर पहुँचे और उसके बाद में इस पर तीनों का एक दिन का वेतन काट दिया क्योंकि वहां पर तीनों शिक्षक उपस्थित नहीं मिले। विलंब से आए, 9:55 पहुँचे सभी अध्यापक और प्रधान अध्यापक विवेक कुमार, शिक्षक जगदम्बा प्रसाद, अनुदेशक रंजीत कुमार अनुपस्थित थे। शिक्षक जनार्दन पांडे 8 से 9 अक्टूबर तक बिना सूचना के गायब थे। BSE ने चारों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया। स्कूल में गंदगी और बच्चों के इधर उधर घूमने पर स्टाफ से स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही BSE ने सम्मिलियन विद्यालय जो थे उनका निरीक्षण भी किया। आगे देखते हैं तो यहाँ पर लापरवाही और शिक्षिका का मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप में 2 शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अभी अलीगढ़ का मैटर है, ये विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने और शिक्षिका का मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप में कंपोजर विद्यालय के आजगढ़ी जावा के प्रधान अध्यापक मनोजी आदित्य और प्राथमिक विद्यालय जलकर शेरू चंडोस के प्रधान अध्यापक राकेश कुमार उपाध्याय को BSE सत्येंद्र कुमार ने निलंबित कर दिया है। विकासखंड जवा के कंपोजर विद्यालय वाजगढ़ी के प्रधान अध्यापक मनुजी आदित्य 27 सितंबर 2021 को खंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में बिना सूचना के गैर हाजिर मिले थे और विभागीय कार्यों में लापरवाही और कंपोजिट ग्रांट से सिर्फ 4 कुर्सी खरीदने के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसी क्रम में विकासखंड चंडोस के प्राथमिक विद्यालय जलाकसेरू मैं MDM के लिए पूर्ण दाल व राशन न देना, MDM खाद्यान्न वितरण के लिए प्राप्त कराई गई पावती में किसी भी अभिभावक के हस्ताक्षर न होना, विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका से फप्तियां फंसते हुए मानसिक उत्पीड़न किए जाने के आरोप में प्रधानाध्यापक राकेश कुमार उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। आगे देखें तो महिलाओं को अपने ससुराल वाले जिले में नियुक्ति का अधिकार, स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट ने दी शिक्षकों को राहत, जो शिक्षिकाएं हैं उनको विशेष तौर से। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के मामले में ऐसे अध्यापकों को राहत दी है जिनकी पत्नियाँ भी अध्यापक हैं और अपनी ससुराल वाले जिले में नियुक्त हैं। साथ ही कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को भी राहत दी है जो या तो स्वयं अध्यापक अथवा अपने माता पिता के किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं। तो कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को विशेष परिस्थिति में मानते हुए एक जनपद में 5 वर्ष की सेवा अनिवार्यता से छूट पाने का हकदार माना है और उनके स्थानांतरण पर विचार कर निर्णय लेने का भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उन अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नामंजूर कर दी है जो स्थायी रूप से दिव्यांग हैं। संजय सिंह और 25 अन्य, राजकुमार सिंह व 12 अन्य, वीर सेन व 20 अन्य और वरुण कुमार व 32 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने जारी किया है। आगे देखें तो ये है परिषदीय स्कूलों में विद्यांजलि 2.0 कार्यक्रम के संचालन के संबंध में। तो ये केंद्र सरकार ने विद्यांजलि कार्यक्रम को बताया था, लागू किया एक तरीके से। तो इसमें क्या था कि विद्यांजलि 2.0 कार्यक्रम हेतु नोडल ऑफिसर नामित किए जाने के संबंध में कृपया उप सचिव स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के ईमेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30/9/2021 के क्रम में विद्यांजलि कार्यक्रम के तहत राज्य नोडल अधिकारी श्री अब्दुल गोविंद, सहायक शिक्षा निदेशक
बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, तो उन्हें ये नियुक्ति दी गई है। और इसके बाद में ये जो 11 अक्टूबर 2021 का लेटर है शिक्षा निदेशक की ओर से बेसिक शिक्षा के सभी बीएससी महोदय के लिए, तो इसमें भी वही बताया गया है कि ये स्वयंसेवक, युवा पेशेदार पेशेवर, स्कूल के पूर्व छात्र, सेवारत, सेवा निवृत्त शिक्षक, सरकारी अधिकारी, पेशेवर और कई अन्य लोगों से जोड़ा जाएगा। और इस अभियान में स्कूल सेवा गतिविधि में भाग लें, संपत्ति सामग्री उपकरण आदि द्वारा स्वयं सेवक शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुसमर्थन प्रदान करने और सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन्स थी आज की।